अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला सर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग ए के कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स को कवर करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है हमारी 20.1। तो 20.1 में हम लोग बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और हमने ये चीज़ समझ ली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी टाइप्स की होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर्स क्या होती है। अब हम आज की वीडियो में सॉल्व करने जाएंगे पार्ट नंबर टू में हमें क्या कह रहे हैं। पार्ट नंबर टू में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, आप के की वैल्यूज फाइंड करो, इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव। आपने हमें ये इंश्योर करवाना है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनको सेम सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्व करना है आपने और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्व करना है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं और हमें एक हिंट भी यहाँ पर दी हुई है, और वो हिंट क्या है कि फॉर सेम सॉल्यूशन, जब भी आप सेम सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो, और जब भी आप डिफरेंट सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डेल्टा होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे हर आप वैल्यूज में देख लोगे कि हमारे पास वेरिएबल के दिया हुआ, सही। तो हमने बेसिकली काम के लिए करना है, सही। तो सबसे पहले आप हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पता है कि डेल्टा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, हमने जब नेचर फाइंड की थी तो नेचर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को की हेल्प की थी, सही है। क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा पार्ट होता है कि हमें बता देता है कि इस इक्वेशन की नेचर क्या, आया कि वो रेशनल है, आया कि वो इमेजिनरी है, आया कि वो इरेशनल है, सही। तो ये हमें उसकी नेचर बता देता है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, ए वन है। बी आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया, बी आपके पास हो गया माइनस का 3, और सी यहाँ पर आपके पास हो गया के, और सही है। ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए बी सी, सही। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस के को बोलते हैं के का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। भाई के का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, हम लोग एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना इक्वेशन, यानी कि आपने एक्स के साथ कोई नंबर देखना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर एक्स के साथ 3 है, इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। के तो आपके पास दूसरा वेरिएबल है, ये आपके पास क्या है, दूसरा वेरिएबल है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप एक्स के साथ देखोगे ना तो ये सी जो है ना, ये सी जो है वो अननोन है और ये सी जो है वो कांस्टेंट है, और सी होता ही कांस्टेंट है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, सही। अच्छा, अब हम पहले सॉल्व करेंगे सेम सॉल्यूशन के लिए, देन उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन हमने क्या करना है कि डेल्टा बराबर लेना है जीरो के, क्योंकि उन्होंने हिंट दी हुई हमें कि फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है, 1, और सी की वैल्यू क्या है, के, सही है। जीरो इज इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4, 4 बन जा 4, और ये हो जाएगा 4k। माइनस का 4k वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू 9, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, 9/4, सही है। तो सेम सॉल्यूशन में k की वैल्यू आ गई 9/4। अब हमने काम करना है डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, सही है। तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए काम आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने जो भी वैल्यू आपके पास जो भी आंसर आया ना उसमें आपने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। अब देखना किस तरह से, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, भाई डिफरेंट सॉल्यूशन में आप चाहो तो दोबारा सॉल्व कर सकते हो पूरी वैल्यू को, लेकिन अगर दोबारा सॉल्व करना आप नहीं चाहते तो आपने सिंपल सा ये काम करना है कि आपके पास जो ये वैल्यू आई है ना, आपने इस वैल्यू के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने हिंट दी हुई है कि आपके पास जब भी आप डिफरेंट सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास जो डेल्टा यानी कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के इज लेस देन 9/4, यानी कि डेल्टा बराबर बड़ा होगा के से, तो ये आपके पास आ गया फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, सही है। इतना सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल तो इन क्वेश्चन से बन नहीं सकता। आगे जितने भी क्वेश्चन आप स्टेप वाइज बढ़ते रहोगे, पार्ट आगे बढ़ते रहेंगे, तो क्वेश्चन जो है वो लेंदी होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर सेम सॉल्यूशन। पहले हम काम कर रहे हैं सेम सॉल्यूशन के लिए। ए बी सी की वैल्यू चाहिए होंगे हमें, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है। बी की वैल्यू क्या है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि बी की वैल्यू क्या है और आपके पास कांस्टेंट क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 4, सही है। तो आई थिंक यहाँ पर एक्स के साथ, अगर 4 के साथ एक्स होता तो हमारे पास ये बी की वैल्यू होती। तो अगर इस 4 के साथ मैं एक्स डाल दूंगा
तो अब जो है ये इक्वेशन थोड़ी समझ आ रही है, क्योंकि आपके पास ये 4 भी कांस्टेंट है और ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। तो हमने करना क्या है कि अगर ये 4 को मैंने 4 के साथ x लगा दिया तो अब क्या होगा कि ये प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किस तरह से इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k इक्वल्स टू 0, सही। बुक में नहीं था क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर 4 के साथ क्या लगा दिया, x लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो सकता है आंसर हमारा चेंज आ सकता है, सही है। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 4, सही है। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई k इक्वल्स टू 0, सही है। कॉन्सेप्ट आपने पकड़ना है, क्वेश्चन का आंसर भले सेम आए या ना आए, सही। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अपने से कोई क्वेश्चन बनाओ, अपने से क्वेश्चन बनाओ और उसको सॉल्व कर चेक कर लो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आंसर भले मैच करे या ना करे, सही। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू k, डेल्टा हम सेम सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c, सही है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास k आ रही है, सही है, 0 हटा दो। अच्छा भाई, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा माइनस का 4k, माइनस 4k वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 बनता 4, 4 4 था 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो k की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे x ना डालता ना तो ये वैल्यू कभी भी 4 नहीं आती, इसका मतलब हमने x डाला तो हमारे पास एक अप्रोप्रिएट आंसर आ गया। अब इसको जब सॉल्व करूंगा मैं डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए तो क्या होगा, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ आपके पास जो 4 आया ना उस 4 के साथ आप ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, यानी कि k इज लेस देन 4, ये आ गया हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन, सही है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा कि आपने सबसे पहले a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है 1, b आपका x का कोफिशिएंट क्या है, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है k, सही, क्योंकि हम लोग k के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, तो k x का कोफिशिएंट क्या होगा, k होगा, तो यहाँ पर हमारे पास b का कोफिशिएंट क्या होगा, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या था k, तो यहाँ पर आ गया b की वैल्यू k, और c हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, तो सॉल्व करते हैं। पहले हमने सॉल्व करना है सेम सॉल्यूशन के लिए, फॉर सेम सॉल्यूशन, सही है, सेम सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्व कर रहे हैं, तो डेल्टा बराबर होगा 0 के इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अच्छा, ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, सही है, 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 है वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर या आप ऐसा लिख लो कि माइनस का 8 वहाँ जाएगा प्लस हो गया 8 इक्वल टू के स्क्वायर या के स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख दो, बात एक ही है, सही। अब हमें के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए के की वैल्यू, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड रूट लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सही, बोथ साइड रूट लगा के हमने क्या किया कि के स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया और अंडर रूट 8 के ऊपर भी रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, के इज इक्वल टू, जब भी आप रूट को सॉल्व करोगे ना अंडर रूट 8 को तो आपके पास आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2, सही है। ये आप करके चेक भी कर सकते हो, आप के फैक्टर्स बनाओ तो आपके पास 3 2 आ रहे होंगे, 2 2 रूट से बाहर आ जाएंगे और 1 2 जो है रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2, और याद रखना कि जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो एक बार प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में लिखी जाती है, तो यहाँ पर सेम सॉल्यूशन के लिए एक्स के दो वैल्यूज आ रही है, एक के बराबर है प्लस का 2 अंडर रूट 2 और एक बार के बराबर है माइनस का 2 अंडर रूट 2। अब ये चीज सीख लें कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज आएंगी तो आप डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, सही है। मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सही, डी एस, डी का मतलब डिफरेंट, एस का मतलब सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। अब डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या करना है, आपने जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना उसको किस तरह से लिखना है बता देता हूं मैं। भाई आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख दी कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, सही है। जब भी आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ आपने के को जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो आपने के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लगाना है और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना उसमें आपने लेस देन का साइन लगाना है, यानी कि के इज लेस देन माइनस
टू अंडर रूट टू। बस सिंपल से काम करना, जब भी आपके पास दो वैल्यूज आ रही हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपने क्या करना है कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको वो क्या करना है, के को उससे बड़ा लेना है या तो उससे बराबर, ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो आपने के ग्रेटर देन इक्वल टू टू अंडर रूट टू ले लिया और के इज लेस देन माइनस टू अंडर रूट टू ले लिया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में हिंट दी गई थी, हमने सेम काम किया। सही है, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इन्होंने कहा था कि जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हमने ये कंडीशन को सिंपली पूरा किया। सही है, तो बुक में भी आपके पास आंसर इस तरह से होगा कि के ग्रेटर देन इक्वल टू टू अंडर रूट टू और के इज लेस देन इक्वल टू माइनस का टू अंडर रूट टू। तो तीन क्वेश्चन हो गए, आगे मूव फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट नंबर फोर और पार्ट नंबर सिक्स और पार्ट नंबर एट इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे होंगे, क्योंकि बीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे सेम हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे तो मैंने ये आपके लिए उतार दिए। तो पार्ट नंबर फोर सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर फोर में आप यहाँ देख रहे होंगे कि k माइनस वन जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके साथ एक्स स्क्वायर आया हुआ है, फिर x की वैल्यू है और फिर कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप सॉल्व करोगे पहले सेम सॉल्यूशन के लिए, देन उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ लिख दो पहले फोर सेम सॉल्यूशन में ए बी सी की वैल्यू तो आपको लास्ट में चाहिए होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ना, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए की जगह के लिख देते हैं या ए की जगह वन लिखते हैं। भाई आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसका कोफिशियंट है। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास के माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास जो ए होगा ना वो क्या होगा, के माइनस वन, सिंपल। फिर एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस का फोर, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का फोर, और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली टू आ गई। तो सेम सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बराबर होगा जीरो के इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस फोर का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, और यहाँ आ जाएगा सी। अच्छा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू आ रही है के माइनस वन और सी की वैल्यू आ रही है टू। माइनस फोर का स्क्वायर होगा प्लस का सिक्सटीन, पहले फोर मल्टीप्लाई होगा के साथ, देन उसके बाद ये फोर मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो माइनस प्लस माइनस का फोर के माइनस माइनस प्लस फोर बन जा फोर, साइन लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस फोर के जा फोर के फोर बन जा फोर, और जब टू मल्टीप्लाई होगा उसके साथ तो उस टू को भी आप बाहर लिख दो, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, आप चाहो तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो या तो टू को बाहर लिख दो। सही है, तो इन दोनों से ये टू मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये सारा आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फोर टू एट, एट के माइनस एट हो जाएगा ये। सही है, अच्छा जीरो इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस प्लस माइनस फोर टू ज़ा एट के प्लस 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 फोर टू ज़ा एट। सही है, अच्छा अब देखो ये प्लस सिक्सटीन है और ये प्लस का एट है, सिक्सटीन में एट प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू, और ये माइनस का एट के जब इक्वल उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का एट के, और सिक्सटीन प्लस एट हो जाएगा सिक्सटीन प्लस एट आपके पास होगा ट्वेंटी फोर। सही है, सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर, एट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 3, 3 वन 3, 3 एट ज़ा 24, तो के की आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और जब बात करेंगे हम डिफरेंट सॉल्यूशन की, तो डिफरेंट सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि आपके पास जो के हो जाएगा दैट इज लेस देन 8, ये आपने सिंपल सा काम करना है। तो पार्ट नंबर फोर सॉल्व हो गया, मूव करते हैं पार्ट नंबर सिक्स की तरफ। सही है, पार्ट नंबर फाइव आपका होमवर्क है और पार्ट नंबर सेवन भी आपका होमवर्क है। सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू क्या है के, अच्छा माइनस सिक्सटीन है ना, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सही है, तो सी की वैल्यू मैं लिखूंगा प्लस का 16, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस कहाँ गया, माइनस सिक्सटीन वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लगाएंगे फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन एस एस का मतलब क्या है, सेम सॉल्यूशन। सही है, तो डेल्टा की जगह जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, माइनस फोर ए की जगह 9 और सी की जगह 16, के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 49 है 36 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 66 30 6 6 3 18 प्लस 3 21। सही, 16 6 13 3, तो आंसर आ रहा है 6 प्लस 1 7 3 प्लस 2 5 576 576। माइनस का 576 है वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 के। सही है, अच्छा हमें के स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड रूट अप्लाई करेंगे,
तो के स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा और आपके पास जो है वो 576 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो के बराबर हो जाएगा। अब अंडर रूट 576 की वैल्यू निकालनी हमने, अंडर रूट 576 तो ये आएगा हमारे पास 576। आंसर आ रहा है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर है। और याद रखना कि रूट से बाहर आया तो एक बार प्लस का 24 लिखा जाएगा और एक बार माइनस का 24 लिखा जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 24। और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि डिफरेंट सॉल्यूशन में आपने जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है 24 के, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको आपने लेना है लेस देन के को, लेस देन लेना है माइनस के 24 से। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपके पास दो वैल्यूज आ रही हो तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और जो छोटी वाली वैल्यू है वो लेस देन होगी, सही है। तो ये हमारे पास होगा पार्ट नंबर 6। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 का। उसमें क्या है हमारे पास, अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, के माइनस 2। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था के माइनस 1, वहां पर दिया हुआ है हमें के माइनस 2। सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या है, के माइनस 2। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, पहले अरेंज करते हैं देन उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, सही है। तो पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जितने भी नंबर्स इक्वल के उस तरफ है ना उनको पहले यहाँ पर शिफ्ट करवाना है। तो कैसे करवाओगे आप कि के माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का 4x है वहाँ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का के माइनस 2 है तो माइनस का के प्लस 2 हो जाएगा। तो ये वाली इन चीज़ों में बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं कि जो है वो माइनस के प्लस 2 लिख देते हैं, और भाई माइनस जो है दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब तक आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आता रहेगा और आप बोलोगे कि ये हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो आपका आंसर गलत आता है कि आप ये माइनस है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते नहीं हो। अब इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा, सही है। अब आप ए बी सी की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, के माइनस 2। बी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 4x। अच्छा, सी की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, या तो आप सी की वैल्यू लिखो माइनस देन ब्रैकेट डालो उसके बाद लिखो के प्लस 2, या तो आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दो माइनस प्लस माइनस के और माइनस का 2, इस तरह से लिख दो, सही है। दो काम आप कर सकते हो, एक सी की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो माइनस माइनस के प्लस 2, या तो आप माइनस मल्टीप्लाई करवा दो माइनस के और माइनस का 2। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस के और माइनस का 2। ए बी सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि 0 लेना डेल्टा को, और बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ये आ गया सी। ए की वैल्यू क्या है, के माइनस 2, और सी की वैल्यू है माइनस के माइनस का 2। अब अपने मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से कराना है, या तो आप पहले काम करो कि इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दो जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, या पहले एक काम करो कि 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा के जो आंसर है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ। तो इसका आसान तरीका तो ये है कि आप पहले इसको और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया उसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या है, 16, माइनस का 4 एज इट इज, सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, पहले मैं साइन मल्टीप्लाई कराऊंगा देन उसके बाद वेरिएबल्स या जो भी नंबर्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे। प्लस माइनस ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि मल्टीप्लीकेशन जाहिर हो जाए, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई, के जब होगा माइनस 2 के साथ तो प्लस माइनस माइनस का 2k, फिर माइनस 2 जब माइनस के से होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2k हो जाएगा, माइनस 2 जब माइनस 2 से होगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, सही है। सिंपल सा काम हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है कि माइनस का 2k और ये प्लस का 2k, ये तो सिंपल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और इस 4 को मल्टीप्लाई करा देना है अंदर वाली दोनों वैल्यूज से, 16 माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 4k। ये आपके पास आ गए दोबारा से एक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, दोबारा से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास जो है के स्क्वायर आ रहा है, फिर उसके बाद के आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ये आप इसमें सॉल्व नहीं हो सकते, अगर सॉल्व हो सकते होते तो बल्कि हो सकते हैं सॉल्व, हमने यहाँ पर के डाल दिया, माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4 4 16। अब ये सॉल्व हो जाएंगे, सही है। पहले सॉल्व क्यों नहीं हो रहे थे,
क्योंकि मैंने यहाँ पे k डाल दिया था, क्योंकि इस 4 की जगह पर k डाल दिया था, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4 4 16, अब ये सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 16 माइनस 16, अब इसमें क्या हो रहा है कैंसिल। अब देखो आपके पास ये 4 के स्क्वायर बचा है, सिर्फ 4 के स्क्वायर बचा है, सही है। अब 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास के स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 0 आ गई। आप इस 0 पे रूट लेते हो, स्क्वायर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो ये 0 जो है वो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर k की वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं थी, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन का तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई किया जाता है। आप दोबारा से वैल्यूज की दोबारा क्वाड्रेटिक में पुट करोगे तो आपके पास जो रूट्स आ रहे होंगे ना वो सेम रूट्स होंगे, जैसे हमने नेचर में निकाला था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन है उसके नेचर में उसके जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इमेजनरी आ रहे हैं, यानी कि उसकी जो नेचर है वो क्या आ रही है, इमेजनरी। नेगेटिव में उसका आंसर आ रहा है b² - 4ac का। तो जब आप क्वाड्रेटिक में पुट करोगे और उसके रूट्स निकालोगे तो बाकी उसके रूट्स क्या आ रहे होंगे, नेगेटिव आ रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिले नहीं। तो आप रियल के लिए भी वही होगा और सेम जो आपके पास जो डिफरेंट सॉल्यूशन निकालोगे उसके लिए भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।